दोहरा खान छोरा डल्ले बिखे गुरमुख सिख विशाल पूजे पग पंकज सदा श्री गुर अमर कृपाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग सन्मान योग गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत वड्डे भाग हन गरीब नवाज पतत पावन भगत वचल कृपा निधान अनाथ नाथ जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा कमला अंदर संध्या समय दे सजे दीवाना च हाजरियां भर के वह प्रगटो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला दशमेश पिता सरबंस दानी चिट्टिया बाजा वाले शमशेरे बहादुर देग उर तेग के तनी नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह एज दी मंजूर गुरु गोबिंद सिंह जुमला फैजे नूर गुरु गोबिंद सिंह बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह ऐसे सतगुरु पंथ दे वाली पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी का पवित्र प्रकाश दिहाड़ा आगमन पुरब बहुत ही सत्कार श्रद्धा भावना सहित गुरु चरणा च एकत्र होके बना रहे हो। अज दे सुभागा भरे दिहाड़े वाले दिन पो सुधी सतमी का अज दिन है। पो सुधी सतमी का दिहाड़ा सन 1666 ईस्वी जदों पूर्व दिशा नूं सतगुरां ने भाग लाया पूर्व दिशा दे नगर श्री पटना साहिब विखे जिहदे बाबत खुद गुरु कलगियां वाले चोजी प्रीतम पातशाह जी ने अपनी मुकद्दस कलम नाल अपनी स्वै जीवनी लिखदिआं जिक्र कीता मुरपित पूर्व की इस प्याना भांत भांत के तीर्थ नाना जब ही जात त्रिवेणी भये पुन दान दिन करत बिताए तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखै पव लहयो। पटना साहब दियो पवित्र पावन धरती जिथे सतगुरु गुरु कलगियां वाले चोजी प्रीतम पातशाह जी महाराज जी का आगमन प्रकाश अमृत वेले दे समय पिता नौवें पातशाह जिन्हां दे स्थान ते आपां जुड़ बैठे हैं धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी दे ग्रह विखे माता गुजरी जी दी कुख तों सतगुरु सच्चे पातशाह दशमेश पिता जी ने अवतार धारण कीता। नौवें पातशाह जी असाम दी यात्रा तों पहला ही ये दस गए सन कि जो बालक साडे ग्रह विखे आवेगा उहदा नाम गोबिंद राय रखना है। इस करके नामकरण पहला ही सतगुरां दे अवतार तो हो चुका सी ते साहिब दा नां रखिया गोबिंद राय। मेरे सतगुरां दी बाल लीला बचपन दे कौतक श्री पटना साहब दी धरती ते सतगुरां ने अपना बचपन बतीत कीता है।
वो कथा जो सतगुरां दी बाल लीला दे कौतक दी है वो विस्थार वाली सूरज प्रकाश ग्रंथ विच अगे आवेगी। और जिस वेले सतगुरां दे पावन इतिहास की समाप्ति की है वह कथा आप जी पहला सरवण भी कर चुके हो कि सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज गंगा दे किनारे ते अनेक प्रकार दे कौतक बरताउंदे ने। गरीब नवाज दयानिध पातशाह जी महाराज कदे अपने हथों कंगन ला के बड़े कीमती सोने दे कंगन ने एक कंगन ला के गंगा दे पानी विच वगदी नदी विच सुट दिता है। उत्थे अजकल सतगुरां दा पावन इतिहासक स्थान उस याद नूं ताजा करवाउंदा है गुरुद्वारा श्री कंगन घाट साहब। अपना एक कंगन सुटिया ते सिखां ने आके दस्या महाराज माता जी बालक गोबिंद राय जी ने अपना कंगन पानी विच गंगा विच सुट दिता बड़ा कीमती है। जदों पुछिया भी कित्थे सुटिया ते दूजा कंगन भी ला के वगा के सुटदिया अपने त्यागी होने का सबूत सतगुरु दसवें पातशाह जी दे रहे ने कि कितने वड्डे त्यागी ने कितने वड्डे दानी ने। महल औरंगजेब बादशाह ने भी बनवाए बड़े सुंदर किले उन्हें भी बड़े सुंदर बनवाए पर वो त्यागी ना हो सकया। कहाउंदा तां बादशाह सी रजे पुजे बादशाह की निशानी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब च वेखीए किले दसवें पातशाह ने भी बनवाए बड़े बड़े सुंदर महल दशमेश जी ने भी बनवाए पर जो त्यागन लगे तो एक अख दे फोर दे विच सब कुछ त्याग दिता। एहो जे महान त्यागी सरबंस दानी गुरु कलगियां वाले चोजी प्रीतम दा बाल सुभा मुढ़ तो ही सुभा सी त्यागियां वाला जंगजू बिरती जंगी बिरती सतगुरां दी मुढ़ तो ही बनी हुई। अपने पटना साहब दे बचपन दे साथियों नू नाल लैके दो जथे बनाउंदे ते दो जथे बना के उन्हां जथियां दे फिर दो जथेदार नियुक्त करदे। एक जथे दे जथेदार आप बनदे ने दूसरे जथे दे जथेदार नू किसी होर नू नियुक्त करदे ने। पानी दे विच बुछाड़ दे नाल एक दूसरे ते पानी दीआं बुछाड़ां मार के इस तरह की लीला करदे ते जित गुरु कलगियां वाले पातशाह जी की हुंदी है। और मेरे पातशाह जी ने छोटे शस्त्र रखने मुढ़ तो ही सुभा सी शस्त्रां नाल बड़ा प्यार शस्त्रां नाल सतगुरां दा बहुत ज्यादा हित सी लगाव सी ते शस्त्र महाराज सच्चे पातशाह ने मुढ़ तो ही रखने गुलेल रखनी गुलेल दे विच अनक प्रकार दे कौतक बरता के सतगुरां ने गागरां तोड़नियां घड़े तोड़ने ते फिर जे मशकां लै आंदियां ते सतगुरां ने तीर रख ले तीर मार मार के सतगुरां ने घड़े ते मशकां भी पाड़ देनियां। एदां दा सतगुरां दा बाल सुभा है। पर मन दे विच इक सिक लगी रहिंदी है भी असीं पंजाब जाणा है उह साडे पूर्वजां दी धरती है पंजाब दी धरती ते वड्डियां सतगुरां दे अवतार होए ने उत्थे ही सतगुरां ने सारी लीला वरताई है। बार बार माता नूं कहिंदे ने पर माता नानकी जी सतगुरां दे दादी जी वह कहिंदे ने लाल जी मैं पंजाब दे विच बड़े बड़े जंग ते युद्ध हुंदे वेखे ने उत्थे बड़ियां समस्यावां ने उत्थे गुरु घर दे दोखी भी बहुत ने तुसी मत जाओ तुसी इत्थे ही विश्राम करो। पर कलगियां वाले पातशाह आख्या असीं तां जाणा ही जाणा है जिहड़ा कारज साडे दादा गुरु हरगोबिंद साहब जी आरंभ गए ने असीं उत्थे जा के पूरा करना। आखिरकार नौवें पातशाह की चिट्ठी पहुंची है पटना साहब तो सतगुरु गुरु कलगियां वाले चोजी प्रीतम चल के अंबाले की धरती तो हुंदे होया उरे बचन करदिया होया अंबाले की धरती ते के चिड़ियों ते मैं बाज तुड़ाऊं सवा लाख से एक लड़ाऊं गिदड़ों से मैं शेर बनाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ये बचन कह के गुरु कलगियां वाले चोजी प्रीतम पातशाह जी श्री आनंदपुर साहब आउंदे ने। आनंदपुर साहब की धरती ते श्री दसम पिता पातशाह जी महाराज
9 साल की उम्र विच आप अपने पिता जी नूं तिलक ते जंजू की रखिया खातर आनंदपुर साहब तो दिल्ली टोरदे ने और समस्त सिखां दी अगवाई 9 साल की उम्र च गुरु कलगीधर जी करदे ने। आनंदपुर साहब की धरती ते सतगुरां ने जंगी तैयारियां आरंभ कीतियां, वधिया वधिया हथियार शस्त्र सतगुरां ने खजाने च इकट्ठे करने शुरू कीते, फौज भर्ती शुरू करनी शुरू की और जिहड़े सिंह महाराज जी ने सिख भर्ती कीते ने उन्हां नूं जंग युद्ध करन दी प्रेरणा सिख्या सतगुरु सच्चे पातशाह जी दिंदे ने, क्योंकि भारतीय समाज के लोगों की मानसिकता इतनी ज्यादा गिर चुकी सी, डिग चुकी सी कि कोई भी हथियार पकड़ के जंग के मैदान च लड़न नूं तैयार नहीं सी। मुहम्मद गौरी दे सामने जदों राजपुताने दे राजयां दे राजे पृथ्वीराज चौहान दी तेग डिगी, उस डिगी हुई तेग नूं चुक के फिर लड़न दा किसी ने हौसला नहीं कीता। कलगियां वाले चोजी प्रीतम पातशाह जी ने उह जंगी बीरसी स्पिरिट बिरती लोगां दे अंदर भरी, उन्हां दी मानसिक स्थिति दी अवस्था नूं उच्चियां चुकण वास्ते जिथों बाहरों सतगुरां ने सानूं इहो जिही रूपरेखा इहो जिहा वरतारा के शस्त्र रखने, घोड़िया ते सवार होना, शिकार खेडना, बाहरों इहो जी बिरती दित्ती, उत्थों अंदरों इहो जिहा तैयार करन वास्ते गुरु कलगियां वाले पातशाह ने चोजी प्रीतम ने अपनी बीर असी बाणी रच के अपने सिंघां नूं पढ़न वास्ते हुक्म कीता कि खालसा जी इस पवित्र पावन बाणी का पाठ करो, जिस नूं पढ़न दे नाल तुहाडे अंदर अंदरों भी बीर असी बिरती बने। उस बीर असी शस्त्रधारी बाणी नूं पढ़न तों बाद फिर सिंघां दे अंदर वह सूर वीरता बीर असी बिरती सतगुरां ने जगाई और एक नहीं 14 जंगां अपने जीवन विच लड़ के 14 दे 14 जंग गुरु कलगीधर ने फतेह कीते। ऐसे पंथ दे वाली जिन्हां ने एक नहीं दो नहीं चारे साहिबजादे अपने सारे पंथ तों वार के सरबंस दान करके अकाल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर दे चरणां च अरदास कीती, सुखी बसै मोरो परिवार। परिवार केड़ा? अपने पंथ नूं, अपने सिखां नूं सतगुरां ने अपना परिवार कहा। ते मन दे विच इहो जी तमन्ना कि पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाहो कनेरा, इहो जी बिरती रखण वाले गुरु कलगीधर पातशाह किसी भी दृष्टिकोण नाल वेख लईए, जे वेखीए कि सतगुरु जी महान कवि ने ते सतगुरां वर्गा कोई कवि नहीं, दानी वेखीए ते सतगुरां वर्गा कोई दानी नहीं, संत वेखीए किसे संत गिरी नूं फकीरी नूं किसे प्लेट पा फार्म दे उत्ते पूर्ण रूप च साबित वेखना चाहुंदे हो ते कलगियां वाले चोजी प्रीतम पातशाह जी जैसा फकीर भी कोई नहीं। इहो जी फकीरी कि ना पैरां विच जोड़ा है, ना सिर ते कलगी है, ना बाज है, ना ताज है, ना घोड़ा है, माछीवाड़े दे जंगलां दे विच नंगे पैरी टेंड दा सराणा लाई अकाल पुरख परमेश्वर दा शुक्र कर रहे ने मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां दा कहना, यह सतगुरां दी अत उच्च दर्जे दी फकीरी, इहो जी फकीरी किसे होर ने नहीं पाली। जे सतगुरां नूं सिपाही दे रूप च वेखणा है ते इहो जे महान सूरमे बहादुर योधे ने सिपाही ने कि 40 सिंघां दा जथा नाल लै के 10 लख दुश्मन का मुकाबला करन वास्ते चमकौर की कच्ची गढ़ी च खलोते एक नारा बुलंद करदिआं कहिंदे निश्चय कर अपनी जीत करो, इहो जे सतगुरु जी दसवें पातशाह जी महाराज जी वर्गा कोई सिपाही भी नहीं होना। ऐसे गुरु कलगियां वाले चोजी प्रीतम की सिफत बहुत है। महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन आगमन पुरब दियां सरबत संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। महाराज बाजां वाले चोजी प्रीतम गुरु कलगियां वाले पातशाह दे चरणां च बेनती करिए कि सतगुरु जी कृपा करके सानूं सतबुद्धि सुमत की दात बख्शिश करन, असी आपसी एकता इतफाक प्यार मुहब्बत सहित विचर के पंथ खालसे की चढ़ती कला वास्ते कुछ सोच सकीए। आओ जो लड़ीवार कथा श्री गुरु अमरदास तीसरे पातशाह जी महाराज जी की आप जी सरवण कर रहे हो, सरवण करिए। भाई लालू जी
जिन्हां नूं गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी ने बख्शिशां कीतियां ने। इहो भाई लालू है जिन्हों भाई पारो जी गुरु साहब के चरणों च लैके आए सन। ते भाई पारो जी आप ता परमहंस ने जिथे आप तरे उन्होंने अपने संगियां नूं भी तारिया। भाई लालू जी गुरु चरणा च आए, गुरु साहब प्रसन्न होए। भाई लालू जी नूं गुप्त शक्तियां कितनियां है संसार दे विच, गुप्त मंडल दे वर्तारे विच गुप्त शक्तियां वरतदियां ने। उह शक्तियां दा दाता महाराज सच्चे पातशाह ने भाई लालू नूं बना दिता। क्या क्या उन्हां सारियां गुप्त रूहां दे गुप्त शक्तियां दे मालक अज तों बाद तुसी हो, वो तुहाडे हुक्म च चलणगियां। इहो जी घटना वरती कि भाई लालू दे नाल प्रेम रखण वाला एक पठान जो व्यापार करन वास्ते किसी दूर देश गया होया सी, समुंदर च तूफान आया, तूफान कारण उहदा जहाज पाड़ गया। ते जदों जहाज पाड़ गया ते सब कुछ रुड़ गया पानी दे विच, पर वह पठान एक पटड़े दे उत्ते लेटिया होया। वह पटड़ा हवा नाल चलदा चलदा एक टापू ते लगा। जदों टापू ते आया ते टापू विच नगर वसिया वेखिया। टापू दे जिहड़े लोग सन उह वेख के हैरान होए कि पहली बार मनुख उन्होंने इत्थे आउंदा वेख्या। क्यों? क्योंकि टापू दे रहण वाले उह जिन्ने लोग सन सब गुप्त रूहां सी, उह सब भूत प्रेतां दे परिवार सन, गुप्त शक्तियां सन। उन्हां नूं वेख के एक बारी पठान घबराया भी। उन्हें आख्या भाई घबराण की लोड़ नहीं, बस इन्ना दस भी तू भाई लालू नूं जाणदा है। कहण लगा हाँ जी, वह तो मेरे पीर ने, मैं तो उन्होंने चेला बन के सेवक बन के रहना। कहते अच्छा जी, उन्होंने जानते, फिर असी सारे उन्होंने अधीन हाँ, असी सारे उन्होंने हुक्म ही मनते हैं। आ दो लाल लै जा, भाई लालू नू जाके साडे वालों भेट कर दई, तेरा सारा कुछ रुड़ गया, तेनू भी रोण की लोड़ नहीं। आ जवाहरात लै जा जिन्हें तेनू चाहिए ने। यह लै के वापस भाई लालू को पहुंचया। जदों भाई लालू नू आके लाल दिते भी तुहाडे सेवक सन उस टापू ते, उन्होंने मैनू इत्थे पहुंचाया ते तुहाडे नां करके मैं बचिया। वह लाल लैके भाई लालू गुरु अमरदास साहब के चरणा च आया। महाराज ये लाल आप जी के चरणा च नजराना है। महाराज जी आख्या सानू ये लाल नहीं चाहिए। भाई लालू ब्यास दरिया का जिहड़ा डूंघा पानी है उत्थे जाके सुट दे, असी तां परमेश्वर दा नाम रूपी लाल हीरा अपने हिरदे च परो के रखिया होया, उहदे जैसा कोई लाल नहीं। हरी परमेश्वर दा नाम ही सब तो वड्डा कीमती लाल है, हीरा है। भाई लालू ने गुरु साहब दा बचन सत करके मनदिया दोवें लाल ब्यास दरिया च सुट दिते ने। और इस प्रकार नाल भाई लालू जी गुरु साहब दे चरणा दे विच रह के सेवा कर रहे ने। महाराज सच्चे पातशाह जिथे आप परउपकारी ने, उत्थे सतगुरां दे सिख भी परउपकारी ने। धन गुरु धन सिख प्यारे, गुरु भी धन है ते गुरु दे सिख भी धन ने। होर कुछ गुरसिखां दी कथा महाकवि भाई संतोख सिंह जी गुरप्रताप सूरज ग्रंथ च लिख रहे ने। आओ ना महान गुरसिखां दा जीवन जिन्हां ने अपनियां सारियां जिंदगियां गुरु साहब जी दी सेवा विच बतीत कर दित्तियां, जिन्हां अपने सारे जीवन गुरु चरणां च समर्पण करके इको ही दात मंगी, सतगुरु सब कुछ नष्ट हो जाए भवें पर तुहाडे चरणा कमलां दी सिक्खी साडे हिरदे चों दूर ना होवे। एक आप जी दे चरणा दी सिक्खी साडे हिरदे च वसदी रहे। इहो जे महान गुरु के सिख जिन्हां ने गुरु की सिक्खी तो अपना सारा कुछ वार भी दिता, वह गुरु के सिखां दा इतिहास है। सरवण करन तो पहला गुरु चरणा दा ध्यान हिरदे च धारण करदे होया समूह माई भाई आखो जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, दोहरा खान छोरा डल्ले बिखे, गुरमुख सिख विशाल। डल्ला पिंड केहो जिहा पिंड आ, उस पिंड की खासियत भाई साहब जी अगे दस रहे ने। डल्ले पिंड दे रहण वाले भाई पारो जी जुलका परमहंस, डल्ले पिंड विच गुरु हरगोबिंद साहब छेवें पातशाह जी व्याहे गए सन भाई पारो जी दे परिवार च। डल्ले पिंड दा ही रहण वाला एक गुरु का सिख है भाई खान छुरा, इहदा नां है।
भाई गुरदास जी ने अपनी वारां विच इहदा नाम भाई खानू छुरा भी लिखिया। भाई खान छुरा जी जो डल्ले पिंड दे विच रहण वाले ने, गुरु घर दे महान सिख ने, सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी पातशाह जी दे पवित्र चरना कमलां दी सिखी भाई खान छुरे ने हिरदे च धारण कीती होई है। पग पंकज सदा श्री गुर, श्री गुर अमर कृपाल। हर वेले श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जो महान कृपालू ने, दयालू ने, मेहरां दे साईं ने, ऐसे सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी दे पावन और पवित्र चरना कमलां नूं अपने हिरदे विच बसा के रखदे ने। गुरु के सिखां वास्ते सब तों वड्डी मौज है गुरु साहब दे चरना कमलां दा आनंद। सब तों वड्डी मौज गुरु साहब दे चरना कमलां च गुरु के सिख नूं प्राप्त हुंदी है। ऐसे करके मांगिए मंगदे ने सिख के चरण कमल की मौज मैं रहूं अंत अरियात। महाराज आप जी दे पवित्र चरणा कमलां दी मौज विच ही रहिए। भाई साहब भाई खान छुरा जी हर वेले महाराज जी दे चरणा कमलां च वसे रहिंदे ने। महाराज जी दे पवित्र चरण कमल भाई खान छुरे दे हिरदे च वसदे ने और हर वेले महाराज जी दे चरणा नूं पूजदे हन। जो पई दीपा मालू शाही और उसे नगर डल्ले दे विच इक होर गुरु का सिख है दा नां है भाई दीपा। ए भी गुरु साहब दा सिख है। फिर एक होर सिख है भाई मल्लू शाही। भाई मल्लू शाही जी भी गुरु साहब गुरु अमरदास साहब जी दे सिख हन जो डल्ले पिंड दे ही रहण वाले ने। सिखी करत बसे तिस ठौर डल्ले पिंड च ही रहिंदे ने। गुरु साहब जी दी सिखी श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी दे चरना कमलां दी सिखी इन्हां गुरु के सिखां ने अपने हिरदे च बसाई होई है, अपने हिरदे च धारण कीती होई है। नाम किदारी सिख उदार एक होर गुरु का सिख है ना है दा भाई किदारी। भाई किदारी भी जो बड़ा उदार है हर वेले दान पुन दे विच ही लगा रहिंदा है गुरु का सिख। इहदा नाम भाई किदारी है और ये भी डल्ले पिंड दा ही रहण वाला है। इत्यादक सिख बहुत विचार इत्यादक होर भी अनेकां सिख जिन्हां दे नां सारयां दे वर्णन नहीं कीते जा सकदे। बेअंत गुरु के सिख जो डल्ले पिंड दे विच ही रहिंदे ने। भाई मल्लू शाही जी, भाई किदारी जी, भाई पारो जी, भाई लालू जी, ये जिन्ने सिख ने सारे डल्ले पिंड दे ही रहण वाले होए ने। इन्हां ने गुरु अमरदास साहब जी दी सिखी धारण कीती हुई है। ये सारे गुरु साहब जी दे सिख हन। गिनती बिखे 72 पए खालसा जी एहो जी उच्ची अवस्था दे मालक ने ये सारे सिख के इन्हां दी जदों गिनती कीती ते कुल गिनती 72 है। और खालसा जी बिस्मादी वाली हैरानी वाली बात तां ये है कि डल्ला पिंड ही एक सारे विश्व भर दे विच ऐसा पिंड है जिस पिंड विच एक नहीं दो नहीं गुरु अमरदास साहब जी गुरु अंगद साहब दे समय 72 ब्रह्म ज्ञानियां दा निवास सी। डल्ले पिंड दे विच 72 ब्रह्म ज्ञानी। गोइंदवाल साहब तो कुछ दूरी ते पिंड है डल्ला। इस नगर दे विच 72 ब्रह्म ज्ञानियां दा निवास है। हुण इह जिन्ने सिखां दा नां आ रिहा सारे ब्रह्म ज्ञानी ने। भाई पारो जी वर्गे महान गुरसिख, भाई लालू जी वर्गे, भाई किदारी जी वर्गे, भाई दीपा जी, भाई मल्लू शाही जी वर्गे, ये जिन्ने सिख जो उत्ते खान छुरे दा नां आया ये भी जिहड़ा सिख है ये सारे सिख ब्रह्म ज्ञानी ने। 72 ब्रह्म ज्ञानी जो डल्ले पिंड दे विच रहिंदे ने इन्हां दी सिखां दी कुल गिणती 72 है। उरे 72 दे 72 आत्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी सिख हन। श्री गुर अमर उदाहरण कीए ये 72 सिख ने जिन्हां दा उधार डल्ले पिंड दे विच रहण वालियां दा श्री गुरु अमरदास तीसरे पातशाह जी महाराज जी ने कीता है। कहो अगारी कथा तिनो की भाई साहब कहंदे मैं उन्हां दी कथा अगे अगे नाल नाल जिवें जिवें प्रकरण चलेगा
ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 72 ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਡੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਰੀ ਅਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਜਿਨੋ ਕੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਅਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਿਆਨਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਿਆਨ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੁਰਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਿਦਿਆ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਮ ਮਹੇਸ਼ਾ ਪੁਰ ਸੁਲਤਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 13-13 ਤੋਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਬੰਦ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਗਰ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ਾ। ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਬਾਈ ਯਾਰ ਧਨੀ ਮਾਨ, ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਧਨਵਾਨ ਸਨ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਬੜੇ, ਵਪਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਦੇਣ ਲੈਣ ਬੜਾ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧਨਵਾਨ ਨੇ, ਧਨੀ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਤਾਈ, ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਪਈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹ ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਪਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾ ਮਨ ਮਾਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗੇ। ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਗਣ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸੁਣੀ, ਉਪਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪਿਆ, ਹਿਰਦੇ ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਜਾਗ ਪਈ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗਏ ਤਬ ਆਏ, ਉਪਮਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਗੁਰ ਕੋ ਹਰ ਖਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਾਹਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਪਮਾ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਵਡਿਆਈ ਬੜੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਪੂਰਬ ਭੋਜਨ ਲੰਗਰ ਖਾਇਓ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਨੇਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਹੇਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉੱਚੀ ਕੁੱਲ ਬਿਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ।
माण त्याग के फिर वह गुरु की संगत विच आउण। तो भाई महेशा जी ने सतगुरु जी की पंगत विच बैठ के पहला लंगर छकिया, प्रशादा गुरु साहब जी की देग विचों छकिया। बोहर जाए सतगुर दरसायो, पंगत विच लंगर छक के फिर संगत विच आए, ते फिर आके सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी दे दर्शन कीते, महाराज जी दी सोहनी मूर्त दे दीदार कीते ने। बड़े भाग ते बैठे ओ पास, निस दिन जिसके प्रेम सो प्यास। पूर्वले जन्मा दे कीते चंगे कर्म जागे ने भाई महेशा जी दे, कोई तपस्या कीती हुई फली भूत हुई है, कोई जप तप कीता होया सामने आया है कि गुरु अमरदास साहब जी दे चरणा च बैठन नू थां मिली। खालसा जी, पूर्व जन्मा दे जदों कीते चंगे कर्म जागदे ने फिर गुरु की संगत नसीब हुंदी। भाई महेशा जी नू गुरु साहब जी दी संगत मिली है, कोई वड्डे भाग ने कोई पूर्वले जन्मां दी कीती हुई चंगी तपस्या दा फल मिलिया है कि उहदे फल स्वरूप भाई महेशा जी गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी दे चरणा च बैठे ने। बार बार बंधन को करई, समुख बैठ गुरदर्स निहरई। बार बार भाई महेशा जी सतगुरां नू वंदना करदे, एक बारी मत्था टेक हटे फिर मन च प्रेम आउंदा, दूजी बार फिर टेक दे, फिर मन च प्रेम आउंदा, तीजी बार फिर टेक दे। सतगुरां नू जिन्नी बार नमस्कार कर लईए, अनक बार डंडौत वंदना। अनक बार, अनक दा मतलब है बहुत बार मैं अपने मालक नू डंडौत वंदना करदा, नमस्कार करदा, बार 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 बार। भाई महेशा जी बारंबार सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी दे चरणा च वंदना करदे ने और सतगुरु जी दे सन्मुख बैठे महाराज जी दे चरणा वल वेखी जांदे ने। धन गुरु अमरदास साहब दे सोहने चरणा नू वेखी जांदे ने। बूजन हित गुर तिसे अलायो, महाराज जी ने वेख्या भी कोई बड़ा प्रेमी सिख है, इहदे अंदर प्रेम है साडे प्रति, ते पुछण वास्ते ना इहनू भाई महेशा जी नू गुरु अमरदास तीसरे पातशाह जी महाराज जी बोले, कवन अर्थ तू चल कर आयो। महाराज जी पुछन लगे भाई महेशा जी नू, हां भाई सिखा केड़े काम करके चल के आया, की लोड़ है तेनू इत्थे आउण दी, किसे लोड़ करके आया होवेगा। अर्थ दा मतलब हुंदा लोड़, किस लोड़ नू मुख रखदिया तू साडे कोल आया। कहां बसे किस को मत धारे, कित्थों दा रहण वाला है ते तू मत केदा धारण कीता होया, सिखी केदी धारण कीती हुई, क्योंकि पहली बार आया सी गुरु चरणा च। महाराज जी कहंदे भी तू कित्थों दा रहण वाला है और तू किस दा मत धारण कीता होया। मंत्र जाप किस बदन उचारे, केदा दिता मंत्र जपदा अपने मुंह, मंत्र कोई जपदा होना है ना, ते किस दा दिता होया मंत्र, ते केड़ा मंत्र तू अपने मुंहों जपदा है। हाथ जोर तिन कयो बुझाई, प्रभ जी मैं आयो शरनाई। हाथ जोड़ के भाई महेशा जी बोले, कहन लगे हे गरीब नवाज पातशाह, मैं ता तुहाडी शरण च आया। महाराज मैं तां तुहाडी शरण च आया, तुहाडे तो बिना ना मैं किसे होर नू जानदा, ना मैं किसे होर दा कोई मत ग्रहण कीता, ना मैं किसे दा कोई मंत्र जपदा, मैनू तां पता ही नहीं कुछ। महाराज मैं तां तुहाडी शरण च आया, आप जी दी पवित्र शरण विच आया हां। रावर नामे आस को तरो, मिटे शोक पाव सागर तरो। महाराज आप जी दा नाम सुन के, आप जी दे नां दी आस रख के आया, तुहाडा नां सुनिया ते तुहाडे नाम दा आसरा लैके तुहाडे चरणां विच आया कि मेरे जन्म मरण दे शोक मिट जान,
ते मैं इस भाव सागर तो संसार समुंदर तो तर जावा यह इच्छा लैके तुहाडे चरणा च आया, यह प्रयोजन करके तुहाडे चरणा च आया। महाराज तुहाडे नाम का भरोसा रख के आप जी दे नाम की महिमा सुन के आस धर के आप जी दे चरणा च आया हां कि मेरे शोक मिट जाण, मेरा जन्म मरण कटिया जाए और मैं इस भाव सागर तो तर जावा। अपर सबन ते आस मिटाए, रहो आप की परे शरनाए। मैं होर सारयां दी आस अपने हिरदे चो मिटा दित्ती है, मेरे मन च होर किसे दी कोई आस नहीं रही, मैं सब दी आस अपने मन चो मिटा दित्ती है। एक तुहाडी आस, एक तुहाडा भरोसा, तुहाडी टेक अपने हिरदे च धारण करके महाराज एक तुहाडी शरण च पिया हां। जिवें बादशाह दा वचन है, तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले, रखो रखन हार दयाला, नानक घर के गोले। अवस्था उही बनी भाई महेशा जी दी, महाराज मैनू होर किसे दी कोई आस नहीं। जिवें बाजा वाले चोजी प्रीतम गुरु कलगी धर दा दोहरा आप जी पढ़दे हो रहे रास साहब विच, सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार, बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। दसवें पातशाह ने सानू ये निश्चा दिता है, बाजा वाले चोजी प्रीतम श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज जी कहिंदे सिख दा आ निश्चा होवे, आ भरोसा होवे। इहने भी जिहड़ा थां थां दे उत्ते कदे किहदी आस कदे किहदी आस रखी बैठा होवे, उह सिख नहीं। सिख उह है जिहड़ा इक दी आस रखदा। भाई महेशा जी कहिंदे महाराज मैं तां सारे आसरे छड दित्ते ने, एक तुहाडा आसरा पकड़िया है, तुहाडी शरण नूं ग्रहण कीता है। तब श्री सतगुर कहो सुनाई, जदों भाई महेशे ने इस तरह बेनती कीती, सुन के सतगुरु जी भाई महेशा जी दी बेनती श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी बोले, कहन लगे हमरी शरण परयो न जाई। महाराज जी कहिंदे बड़ा औखा है भाई महेशा शरण च पैना, कहण नूं तां सारी दुनिया कहिंदी असीं शरण च आ तुहाडी, पर शरण च पैना बड़ा औखा, बड़ी औखी घाटी है। इह खंडे दी धार नालों तिखा राह है, वाल नालों बरीक रस्ता है शरण च पैण दा। महाराज जी कहिंदे भाई महेशा जी साडी शरण विच नहीं तेरे कोलों पै होना, हमरी शरण परयो ना जाई, साडी शरण विच पैना बड़ा औखा है, साडी शरण च तेरे कोलो पया नहीं जाना। जे हमरे सिख होयो चहे, सुन जे साडा सिख बनना चाहना ना, तू कहना भी मैं तुहाडा सिख बनना चाहना, तुहाडी सिखी धारण करना चाहना, जे तू साडा सिख बनना चाहना, साडी सिखी कमाना चाहना। नहीं संपदा तुझ टिग रहे, वेख ले अज तू राजा है, राजा वर्गी जिंदगी बतीत करदा, शाहूकार है, नौकर चाकर तेरे कोल ने, धन है संपदा है बभूति है महल माड़िया तेरे कोल ने, जे तू साडी सिखी धारण कर ली ते सारा कुछ ही तेरे कोलों खोया जाना। वेखो मेरे सतगुरु जी परख भी कर रहे ने भी सिखी अधिकारी भी है सिखी नूं ग्रहण करन, कि किते वेखा वेखी तां नहीं आ गया किसे दूजे ने आके आख्या, जो नूं वेख के इन्हें भी कह दिता। महाराज सच्ची पातशाह जी कहिंदे सिख दे अंदर इहो जी अवस्था होवे जिवें भाई महेशे दी है, जे सिखी तूं अपना सब कुछ वारना पै जे ते वारन नूं तैयार। महाराज जी कहिंदे भाई महेशा जी जे सिखी ग्रहण करनी है साडी ते कुछ नहीं रहना जे कोल, ना धन ना संपदा ना नौकर ना चाकर ना महल ना माड़िया, सारी संपदा बभूति खत्म हो जाएगी नष्ट हो जाएगी। नर उपहास करे समझावे, लोग तेरा मखौल उड़ाया करनगे, लोग तेरा मजाक उड़ाउणगे ते मखौल उड़ा के तेनू गल्लां करके क्या करनगे। दुखी होए पुन बो पछतावे, बड़ा दुख भोगना पवेगा, बड़ा दुखी होना पवेगा, ते जदों बहुत भारी दुखी होया
ते फिर तेरे अंदर पछतावा होवेगा, तू पश्चाताप करेगा। सुनत महेशे तबे उचारेओ, तन मन धन तुमरे परवारेओ। महाराज जी ने जदों ये बचन कहे ते भाई महेशा जी बोले, कहन लगे पातशाह मैं अपना तन मन धन सब तुहाडे तो वारिया, सब तुहाडे तो नछावर, सब तुहाडे तो कुर्बान, तन भी मन भी ते धन भी। महाराज सच्चे पातशाह मैं तुहाडे तो वारदा हां, तुहाडे तो नछावर करदा हां। नाश होए तो चहो न को। महाराज जे सब कुछ नाश हो जाए ते मैं इना दी चाहना नहीं रखदा, ना तन दी ना मन दी ना तन दी, तुहाडे तो वार ही दिता है जो। जे सब कुछ नाश हो जाए ते मैनू इना दी चाहना नहीं। साहब जी दा एक बचन है, तन गया ता जान दे जे रचै रंगे। ये तो बड़ा सस्ता सौदा जे। फिर जे धन जान नाल मेरा मालक मेरे ते खुश हुंदा ते मैं इहनू जान तो निछावर कर दिंदा, जान दिओ। जे धन गया तां जान दे जे राचा रंग एक, जे एक दा रंग मेरे मन च रंगिया जांदा है, मेरा मालक खुश हुंदा इहदे जान नाल, ते फिर जावे। भाई महेशा जी कहिंदे महाराज सच्चे पातशाह मैं सब कुछ वारिया ते इहनां दे नाश हो जाण ते मैं इहनां दी चाहना नहीं रखदा। तुमरो प्रेम करो दृढ़ सो। जिहड़ा तुहाडा प्रेम है ओनू मैं अपने हिरदे विच पक्का करके रखा, बस ये दात दे दिओ कि तुहाडा प्रेम दा रंग ना मेरे हिरदे चो उतरे। जिहड़ा प्रेम दा गूढ़ा रंग है ओह ना मेरे हिरदे च उतरे, तुहाडे प्रेम नू मैं हिरदे च पक्का करके धारण करा। सब दिशते मैं त्यागी आस, निज चरणन मैं देओ निवास। महाराज जी मैं सब पासों आस त्याग दिती है, मेरे ते कृपा करके मैनू अपने चरणा च थां दे दिओ। निज चरणन मैं महाराज अपने चरणा च थां। भाई डल्ले ने भी एक दिन कलगियां वाले चोजी प्रीतम ने आख्या, पातशाह ने डल्लिया मंग की चाहिदा है, ते भाई डल्ला जी कहिंदे महाराज चरणा विच पीढ़ी जिन्नी थां दे दिओ उत्थे बैठा रहा। महाराज कहिंदे पीढ़ी तां बड़ी ज्यादा हुंदी है, तेनू तां साडे चरणा च सूई दे नक्के जिन्नी थां नहीं सी देनी। पातशाह मेरे ते कोई करोपी जाए? कहिंदे हां, खंडे बाटे दी पौल छक लै सारे परिवार समेत। पीढ़ी तां की तेनू अपने चरणा च खुले थां सारा सचखंड ही तेनू दे दिने, उत्थे जिथे मर्जी बैठा रहे। ये वचन मैं कलगियां वाले दा तां पे चेते करौना, अज उन्हां दा प्रकाश दिहाड़ा है। जिहड़े गैर अमृतीए ने ना वो चाहते ने भी सानू गुरु चरणा च थां मिल जाए, तो खंडे बाटे की पौल छक लो भाई। महाराज जी के चरणा च तां थां मिलनी है, गुरु चरणा च तां थां नसीब होनी है। भाई महेशा जी कहिंदे महाराज सच्चे पातशाह सारिआं दी आस छड्ड दित्ती है, एक किरपा कर दिओ मैनू अपने चरणा दे विच निवास दे दिओ। दृढ़ निश्चा देखे हो जिस काला। भाई महेशे दा ये दृढ़ निश्चा दृढ़ विश्वास धन गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी ने वेख्या है। निज कर तरयो तिसी को भाला। महाराज जी ने अपना हाथ भाई महेशे दे सिर ते धर दिता। होर की चाहिदा जे धन जाण नाल गुरु दा हाथ सिर ते रखींदा। भाई महेशे ने आख्या ये कोई महंगा सौदा नहीं, ये तां बड़ा सस्ता सौदा, गुरु की किड्डी वड्डी बख्शिश मिल रही, ये तां बिनसना ही है ना, ये तां है ही बिनसन जोगा। महाराज जी ने मेरा भरिया हाथ भाई महेशे दे सिर ते रखिया। सत नाम सो मंत्र जपावा, सिख ने दृढ़ की नस सुख पावा। सिर ते हाथ धर के भाई महेशे दे महाराज गुरु अमरदास साहब कहिंदे सिखा बोल सतनाम श्री वाहे, वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। जपाया भाई महेशे नूं गुर मंत्र दे के, भाई महेशे नूं ये गुर मंत्र
श्री गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी ने दृढ़ करा दिता, परपक करा दिता है। बहुर कसोटी मैं सो कसेओ, उधर गुरमंत्र दे दिता, उधर नाल कसवटी दे विच कस दिता। हुण ते कसवटी चो सिख तां ही खरा होके निकलदा जे गुरमंत्र दा अभ्यास करे। कसवटी चो भी तां ही निकल सकदा, नाल मंत्र दा आसरा दे दिता भी कसवटी लगनी है, इहनू सहारा भी मिल जाए, आसरा भी मिलिया रहे। सतगुरां ने गुरमंत्र दे दिता ते उधर कसवटी विच कस दिता। केतक दिन मैं धन साब नस्यो, अज दो चार पंजा सत्ता कुछ दिनां दे विच ही भाई महेशे कोल जिन्ना धन सी सब खत्म हो गया। किते नौकर चाकर अगे पिछे दौड़े फिरदे सन, धनवान सी, पर कसवटी लाई है गुरु अमरदास साहब जी ने। कहिंदे जिन्ना धन सी वी जां सिखी रख लै जां धन रख लै, कहिंदे सिखी चाहीदी। ते धन जिन्ना सी सब कुछ बिनस गया, जितने पदार्थ सन सब बिनस गए। जिस जिस कार बिखे जै दीन, जिथे जिथे जिहड़े जिहड़े काम वास्ते पैसा किसे नूं दित्ता सी ना, उत्थे ही रुक गया, किसे ने वापस नहीं मोड़िया। एहो जी कला वरती। तैं सब नाशियो पयो बहीन, जिहड़े काम च जिथे पैसा लाया मिट्टी बन गया, कितों भी व्यापार करके कितों भी मुनाफा नहीं मिलिया, सब कुछ खत्म हो गया। हसन लगे नर ए क्या कीनो, लोक हसन लगे महेशा जी ते, लोक मजाक उड़ाउन लगे, भाई महेशे दा मखौल उड़ान लगे। सिख होए ते क्या कित लीनो, कहंदे ओ भाई महेशा तू गुरु का सिख बन के की खट लिया, तू गुरु का सिख बन के की लै लिया। लोकां दे ताने महाराज जी ने पहला ही कह दिता सी भी सुनने पैने ने। भाई महेशा जी कहंदे महाराज सुनांगा। लोक कहंदे भाई महेशे नू तू सिख बन के की लै लिया। घर ते संपद भई विनाश, तेरे घर विच जेड़ी संपदा सी सब कुछ बिनस गया है। अन्न वस्त्र की तोट न पास, तेरे कोल अन्न वस्त्र दी तोट ही नहीं सी, इन्ना तेरे कोल खजाना सी, अज तेरे कोल अपना तन कजन वास्ते भी कपड़ा नहीं रहा, खान नू एक प्रशादा भी एक समय तेनु मिलना मुश्किल हो गया। सुनत महेशे सब सो कहेओ, मैं गुर ऊच प्रेम पद लहे। लोकां ने आख्या ना तू सिख बन के की लै लिया, ते सुन के भाई महेशा जी कहंदे ओ दुनिया दे लोगो सुनो, मैं गुरु अमरदास साहब दा सिख बन के प्रेम दी अत उच पदवी प्राप्त कर ली है, मैनू बड़ा कुछ मिल गया। तुसी कहंदे हो की मिलिया, मैनू की नहीं मिलिया, मैनू अत उत दर्जे दा जिहड़ा प्रेम है ओह गुरु अमरदास साहब दे चरणां चो प्राप्त होया। जो कबहु ने बिनसन हारा, दुख सागर ते करे उदारा। एहो जिहा प्रेम मिल गया मैनू गुरु चरणां चो, जिहड़ा कदे बिनसदा ही नहीं, जिहदा कदे विनाश ही नहीं हुंदा, जिहड़ा मैनू ए दुखां दे समुंदर तों पार उतारन वाला है। ए संपद मिथिया सम सुपने, जिहड़ी संपदा ए तां झूठी सी, ए तां मिथिया सी, सुपने दे समान है। किम पर लोक लेत संग अपने, ए तां परलोक विच जानी नहीं सी नाल, ए तां इत्थे ही रह जाना सी सारा कुछ, ये ता परलोक विच नाल ही नहीं सी निभना। एक बार ए वियोग उदोते, एक बार जदो इहदे तो वियोग पैंदा, इहदे तो विछोड़ा उदोत प्रगट हुंदा। जीवत जात के मृतक होते, धन एक बारी तां विछड़ना ही है, भावे जीवदिया जी चला जाए ते भावे मर के जाना, मर के भी इहनू छड के जाना। जे जीवदिया जी छड के टुर गया ते इहदे विच किहड़ा कहिंदे कोई वड्डी मुसीबत आ गई, इन्हें तो जाना ही है, मर के भी ए बिछड़ना सी, जूंदिया जी भी जे बिछड़ गया तो की हो गया, इन्हें तो बिछड़ना ही बिछड़ना है। गुर पग पंकज जे मन लागे, हलत पलत के संकट पागे। जिन्हां दा गुरु चरणा नाल मन लग गया उन्हां दे लोक परलोक दे संकट नष्ट हो जांदे, उन्हां दा लोक परलोक सवर जांदा है। मिथ्या संपत
नाश पाई है। साची सतगुर शरण लई है। जड़ी मिथ्या संपदा विभूति सी सब नाश हो गई है, ते मैनू गुरु अमरदास साहब दी सच्ची शरण मिल गई। सच्ची जेडी लोक परलोक च नाल लिपदी ओह शरण मैनू मिली, जेडी कदे विछड़दी नहीं। ए मिथ्या संपदी तां विछड़दी सी ना, पर मैनू सच्चे पातशाह दे चरणा दी सच्ची शरण मिल गई है। परमानंद पयो अब पोना, मैनू हुण परमानंद दी प्राप्ति हो गई। हुण कोई डर नहीं रहा, हुण कोई भय नहीं रहा। इम कह सब संग ठानी मौन, एदा कह के जवाब दे के लोका नू भाई महेशा जी चुप कर गए। वो उपहास करत रहे लोग, लोका ने बड़े बखौल उड़ाए, बड़िया गल्ला लोका ने कहन वालिया ने कीतिया, पर खालसा जी गुरसिखी ता कहिंदी अब तो जरा मरा सिद्ध पाई है लीनो हाथ संदोरा। इथे मन च निश्चा बन गया के हुण लोग जो कहिंदे ने कही जान। करत नहीं मन हरख के सोग, ना मन च किसे दे कहण ते खुशी है, ना किसे दे कहण ते कोई गम है। हरख सोग तो रहत हो गए। सत गुर प्रेम बिखे मस्ताना, सिमरन सत नाम को ठाना। भाई महेशा जी सतगुरां दे प्रेम च मस्ताने हो गए, मस्ताने मस्त हो गए। हुण कहिंदे हर वेले सत नाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, एदा ही जाप जपी जांदे उठदे आ बहिंदे आ। होर कोई सोझी कोई नहीं, नाम नाल ही सुरत जोड़ी हुई है। उन गुर दर्शन को चल आयो, हाथ जोर कर सीस निवायो। समा बीतिया भाई महेशा जी गुरु चरणा च आए, गुरु अमरदास साहब दे चरणा ते मथा टेकिया। दुर्बल पयो देख कर ताई, कृपा करी श्री गुर मन माई। जदों पहला आए सी उदों शरीर ते शाहूकारां वाले कपड़े, शरीर भी तरो ताजा बड़ा सुंदर। हुण कई दिन हो गए ने प्रशादा तक नहीं छकिया सी, ते शरीर ते कपड़े भी पुराने जीरण, ते गरीबी वाला बेख शरीर ते वेखिया भाई महेशे दे, ते गुरु अमरदास साहब दा मन किरपा दे रस विच आ गया। सतगुरु गुरु अमरदास साहब जी महाराज जी, सिख ने सो कसोटी ताओ, सिख ने कसोटी दा ताओ झल लिया। भाई महेशा जी तुसी गुरु की सिखी दा जड़ा सी कसोटी दा ताओ लाया सी, उस ताओ नू चल लिया। बारह बन्नी पयो सो पाओ, बारह बन्नी दा शुद्ध सोना बन गया, सोना बारह बन्नी दा शुद्ध सोना गुरसिखी धारण कर ली है तुसी। आगे ते दस गुण तन पै है, जाओ भाई महेशा जी जिन्ना पहला सी ना ओदे नालो दस गुणा होर होवेगा। पहला जिन्ना धन सी ना ओदे नालों दस गुणा अधिक होवेगा, होर दस गुणा अधिक धन दी प्राप्ति होवेगी। लोक परलोक सफल तव है, तेरा लोक भी सफला तेरा परलोक भी सफला, दोवें लोक सतगुरु गुरु अमरदास साहब ने सवार दिते भाई महेशे दे। इम वार दे कर करे ओ निहाल, पुन तिस टिग तन पयो विशाल। इदा सतगुरां ने वर दे के निहाल कर दिता भाई भाई महेशा जी नूं, और कुछ ही समय च भाई महेशा जी फिर धनवान हो गए, बख्शिशां सतगुरां दियां वरतन लगियां। इसी प्रकार बहुत नर तारे, सिखी मार्ग चले हो उदारे। इस प्रकार सतगुरां ने बड़े नर तार दिते, सतगुरां ने बहुतियां नूं गुरसिखी दे मार्ग ते चलाया। आए शरण जो गुर की परे, ब्रह्म ज्ञान जुत शुकत सोतरे। जिहड़ा भी सतगुरां दी शरण च आ के पैंदा उहनूं ब्रह्म ज्ञान दी प्राप्ति हो जांदी है, वह आत्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। दोनों हाथन सो बरतावे, माने बचन
पार पर जावे। हाथां नाल सतगुरु जी सारिआं नूं वरतौंदे ने, ब्रह्म ज्ञान आत्म ज्ञान दीआं दातां सतगुरु जी वंड रहे ने, जिहदे च तोट नहीं आउंदी। जिहड़ा सतगुरां दे बचन मन्नदा उह इह संसार समुंदर तों पार उतर जांदा है। होर भी गुरु अमरदास साहिब जी